अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बात शुरू करते हैं फिर से फलस्तीन इसराइल जंग से। आज जंग का 18वां दिन रहा और जंग आज भी बराबर की चल रही है। हमने इससे पहले भी बताया कि यहूदी और मुशरिक मीडिया अपने तौर पर खबर पेश करने की कोशिश करता रहता है। लिहाजा इत्तला के मुताबिक गाजा में घुसने वाली इसराइली फौजियों पर हमास ने हमला किया, जिसमें कई टैंक हथियार छोड़कर इसराइली फौजी भागने की खबर हासिल हुई। जंग और भी तेज हो सकती है। खुद हमास भी किसी तरह के समझौते से इनकार कर रहा है, लेकिन दो इसराइली खवातीनों को जो बंधक बनाकर रखा गया था उन्हें रिहा भी किया गया। आज एक और खबर के मुताबिक आज 20 इसराइली फौजी मारे जाने की खबर है। उधर अमेरिका के खिलाफ रूस और चीन मैदान में उतरता नजर आ रहा है। भारत ने भी राहत इमदाद फलस्तीनियों को भेजा हुआ है। इतना तो जरूर है कि जिन लोगों को ऐसा लग रहा था कि इसराइल कुछ ही दिनों में गाजा या फलस्तीन को तबाह कर देगा, उनका सोचना महज खुशफहमी थी। खासकर भारत के संगियों की, इन्हें तो दुनिया भर में कहीं पर भी मुसलमानों का थोड़ा भी नुकसान हो जाता है, इन्हें बड़ी खुशी हो जाती है। फलस्तीन इसराइल जंग को भारत में हिंदू मुस्लिम करने की फिराक में ये लोग रहते हैं। इससे पहले भी जाहिर हो चुका है, हैदराबाद भाजपा का नफरत कीड़ा राजा सिंह ने तो इसराइल के हक में और भारत के मुसलमानों के खिलाफ जहरीला बयान भी दिया है। भारत के मुसलमानों को पहले से ही पाकिस्तान जाने के लिए कहा जाता रहा है, अब गाजा जाने के लिए कह रहे हैं। खैर, पाकिस्तान से सबसे ज्यादा मोहब्बत इन्हीं नफरत गिरोह को है। इस हफ्ते एक और खबर हासिल हुई जिससे भारत के CAA NRC की पोल खुलती नजर आई। CAA NRC को लेकर वजीर दाखिला अमित शाह ने क्रोनोलॉजी भी समझाने की कोशिश की थी कि कैसे भारत के बाहर रहने वाले हिंदुओं को भारत में बसाने की बात कर रहे थे, जबकि हम सभी जानते हैं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया है। इनके भारत गरीबी रेखा के नीचे 80 करोड़ से जायद लोग भारत में दो वक्त की रोटी हासिल नहीं कर सकते, ये एक रिपोर्ट बता रही है। लेकिन बाहर के हिंदुओं को लाकर भारत में बसाने की बात हमारे वजीर आजम मोदी और अमित शाह कहते हुए देखा जाता है। उन्होंने तो संसद में कहा था कि हम किसी हाल में NRC ला कर ही रहेंगे। खैर, आगे बढ़ते हैं। मैं एक छोटी सी मिसाल इसे कह सकते हैं। अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान से हिंदुओं को लाने का अमल शुरू भी नहीं हुआ है, पर इसके नतीजे किस तरह से रोनुमा हो रहे हैं इस मिसाल से समझने की जरूरत है। वैसे फहरिस्त तवील है, बताते बताते शायद पूरी किताब बन जाए। पाकिस्तानी हिंदू भारत में आ जाता है और कैसे पाकिस्तान ही के लिए खुफिया जासूसी का काम करता है इसे समझने की जरूरत है, जिसे अभी दो दिन पहले हिरासत में गुजरात ATS की जानिब से लिया गया। खैर, अभी कुछ ही आए हैं तो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते पकड़े जा रहे हैं। अगर पूरे हिंदुओं को, यानी कि पूरे अगर पाकिस्तानी बांग्लादेशी अफगानी हिंदुओं को यहाँ लाया जाएगा तो इसकी जिम्मेदारी क्या मोदी हुकूमत ले सकती है? खैर, उसका नाम है लाभ शंकर महेश्वरी। बुनियादी तौर पर ये पाकिस्तानी हिंदू है जो अपनी बीवी के इलाज के लिए वीजा लेकर 1999 में भारत में आया। साल 2005 में उसने और उसकी बीवी ने भारत की शहरियत हासिल की, जैसे मोदी हुकूमत का ख्वाब है। पुलिस के मुताबिक मुजरिम लाभ शंकर माहेश्वरी शुरुआत में वह तारापुर में रहा था। उसने वहां पर कई दुकानें खोली और उसका अच्छा खासा कारोबार वहां पर उसने बना दिया था। भारत में अपनी बीवी के साथ लाभ शंकर माहेश्वरी रह तो रहा था, लेकिन फौज की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज रहा। इत्तला के मुताबिक फौजियों के साथ रابطे में आ जाता था, किसी तरह से कहानियां बनाकर फौजी अफसरान के करीब जाता और उनके मोबाइल में वायरस के जरिए से डाटा हैक कर लेता था, ताकि इंडियन आर्मी की खुफिया जानकारी पाकिस्तान भेज उन्हें मदद कर सके। गुजरात ATS की तफ्तीश में एक और खुलासा हुआ कि लाभ शंकर माहेश्वरी ने तारापुर से सिम सकलेन के नाम से रजिस्टर किया था, फिर लाभ शंकर ने इसे असगर तक पहुंचाया। ये सिम कार्ड पाकिस्तानी एम्बेसी के जरिए लाभ शंकर ने पाकिस्तान भिजवाया था। लाभ शंकर उसे जो भी पाकिस्तान से हिदायत दी जाती थी उस पर वो अमल करता रहता था। लिहाजा सिम कार्ड लाभ शंकर की बहन जो पाकिस्तान में रहती है और साथ में उसके बहनोई दोनों पाकिस्तानी फौज में इस सिम कार्ड को जाकर दे दिया। पाकिस्तान को लाभ पहुंचाने वाले लाभ शंकर की खुफिया जानकारी के बिना पर भारत के कई आर्मी स्कूल्स निशाने पर होने की बात बताई जा रही है। लिहाजा एक तरह की जहनियत देखने को मिलती है कि जुर्म खुद करो और इल्जाम मुसलमानों के सरों पर थोप दो। अभी कुछ दिन पहले सालून के नाम का एक शख्स भी गिरफ्तार किया गया था जो पाकिस्तान को खुफिया जानकारी फराहम कर रहा था। इन तमाम वारदातों के मद्देनजर क्या मोदी सरकार या फिर अमित शाह योगी जिम्मेदारी ले सकते हैं? जितने भी पाकिस्तानी अफगानी हिंदुओं को भारत में लाया जाएगा मुल्क से गद्दारी नहीं करेंगे। पाकिस्तानी हिंदू भारत में आकर भारत की मुखालफत में कामों को अंजाम देता रहता है और पता ही नहीं लगता। और कितने पाकिस्तानी हिंदू भारत में, जिस तरह से सीमा हैदर की कहानियां आपने बारह देखी होगी, सुनी होगी, कितने इस तरह की सीमा हैदर हो या फिर इस तरह के खुफिया जासूस जो पाकिस्तान के लिए यहाँ आकर
वो अपने मकसद को लेकर दाखिल हो जाते हैं। यहाँ तो मुल्क के वफादारों को ही पाकिस्तान भेजने का राग अलापा जाता है, और इसे यहाँ की आवाम सही भी समझती है। मुसलमानों को पाकिस्तान भेजने का मुतालबा करने वाले और पाकिस्तानी, बांग्लादेश और अफगानी हिंदुओं को भारत में बसाने के लिए हर वक्त मोदी सरकार को CAA NRC को लेकर हंगामा मचाने वालों को एक तरह की वारदातें तमाचा है, इतना जरूर कहा जा सकता है। हमने कल भी आपको सोशल मीडिया के जरिए नफरत तशद्दुद फैलाने की वारदात का जिक्र किया था, और इसके पीछे की साजिश को बेनकाब करने की जिम्मेदारी इंतजामिया पर होती है। लेकिन कुछ जगहों पर दुर्गा माता दौड़ में इस तरह की वारदातें अंजाम देने की बात सामने आ रही है। आज फिर संकेश्वर और फिर नंदगढ़ खानापुर में टीपू सुल्तान औरंगजेब की तस्वीर पर पांव रखकर सोशल मीडिया पर पोस्ट वायरल के बाद संकेश्वर और नंदगढ़ में तनाव का माहौल देखा गया। संकेश्वर में जो अफराद है वो कोल्हापुर का बताया जा रहा है, लेकिन अभी तक पूरी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है। एक और सोचने की बात यह है कि कमसीन नौजवान इसमें मुलव्विस पाए जा रहे हैं, क्या ये भी एक तरह की साजिश है, क्योंकि इन पर बड़ी दफाएं नहीं लगाई जा सकती। हासिल इत्तला के मुताबिक नंदगढ़ में कमसीन होने की वजह से सिर्फ 107 दफा लगाई गई और माफी तलाफी के बाद छोड़ दिया गया और समझौते से मामले को सुलझाने की बात कही गई। पर जब तक इसके पीछे का असल चेहरा और इसके पीछे की जो तंजीम है, जो काम कर रही है, इसको ढूंढकर उस पर कार्रवाई नहीं की जाएगी, इस तरह की वारदातें होती रहेंगी। यकीनन इसके पीछे षड्यंत्र है, और चुनाव के मद्देनजर फिरका परस्तों की जानिब से तशद्दुद को बर्पा करने का इरादा हो सकता है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। क्योंकि मुस्लिम बादशाहों का किसी मजहबी जुलूस में क्या लेना देना और क्या काम उनका, इनसे नफरत क्यों? और अगर टीपू शहीद की बात कही जाए तो अंग्रेजों की गुलामी में रहने वालों को आजादी का सबक तो इसी शेर ने पढ़ाया था। खैर, इस तरह की बढ़ती वारदातें आने वाले दिनों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। इंतजामिया खासकर साइबर क्राइम सख्ती से कार्रवाई करता है तो यकीनन काबू पाया जा सकता है। मुस्लिम समाज फिलहाल सब्र तहम्मुल से काम जरूर ले रहा है, कहीं पर भी कानून को हाथ में लेने की हमने तो वारदातें नहीं सुनी। इंतजामिया के पास जाकर अपनी फरियाद दर्ज करता रहता है, मुमकिन हो सके उतना संवैधानिक रास्तों पर चलते हुए वो अपना एहतजाज दर्ज करता रहता है, अपनी बातों को रखता रहता है। उम्मीद यही करते हैं कि किसी तरह के दबाव में न आते हुए इंतजामिया सख्ती से काम ले। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।